हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी पर। एग्ज़ाम अकेडमी आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी या स्टेट से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पोस्ट पर जो भी रिक्रूटमेंट निकल कर आता है, चाहे वो रेगुलर सीट्स पे होते हैं या टेम्परेरी या कॉन्ट्रेक्चुअल, जो भी पोस्ट यहाँ निकल कर आते हैं उनका इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक समय समय पर पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आज हम वीडियो के माध्यम से बात करेंगे परमानेंट सीट पर आए हुए एक नोटिफिकेशन के ऊपर, जिसमें इन्होंने प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक यानी कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड कुल टोटल 32 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा हुआ है। हम इस वीडियो में इसी पोस्ट से संबंधित नोटिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं वो आप लोगों तक समय पर पहुँचता रहे। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है वो राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान से निकल कर आया हुआ है, नई पार पंजाब में ये इस्टेब्लिश्ड है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर मेंशन किया गया है www.niper.gov.in पर विज़िट करके आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका जो एप्लीकेशन लिंक है वो भी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर शिक्षा औषधि और अनुसंधान संस्थान SAS नगर राष्ट्रीय महत्व का एक स्वायत्त संस्थान है, जिसे भारत सरकार रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा संसद के अधिनियम द्वारा औषध विज्ञान प्रायोगिकी और प्रबंध के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान करने और उन्नत अनुसंधान के लिए स्वायत्त के लिए स्थापित किया हुआ है। संस्थान में सीधी भर्ती के लिए यहाँ पर निम्नलिखित शिक्षण पदों पर आवेदन मांगे गए हैं और जो आवेदन निकल कर आए हुए हैं वो प्राध्यापक के लिए 13 सीटें रखी गई हैं यहाँ पर, जिसमें अनुसूचित के लिए 2 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट है, अन्य आर्थिक रूप से जो कमज़ोर यानी कि EWS के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है और जनरल में यहाँ पर 6 सीटें रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर 50 वर्ष है प्राध्यापक के लिए यानी प्रोफेसर के लिए, और जो एकेडमिक पे लेवल यहाँ पर है 14A का है। शैक्षणिक वेतन स्तर यहाँ पर आप लोगों को जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उसमें 1,59,100 रुपये पर मंथ की एंट्री सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। वहीं सहायक प्राध्यापक के लिए अगर आप अपॉइंट किए जाते हैं तो यहाँ पर टोटल 12 सीटें हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 1, OBC में यहाँ पर 3 सीटें हैं और EWS के लिए 1, जनरल के लिए 5 सीटें हैं। यहाँ पर भी अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष रखा गया है और जो सैलरी यहाँ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी इस पोस्ट के लिए उसमें एकेडमिक पे लेवल 13A2 का है। 1,39,600 रुपये पर मंथ से यहाँ पर आपकी एंट्री सैलरी स्टार्ट कर दी जाएगी। वहीं सहायक प्राध्यापक यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर 7 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति में भी 1 पोस्ट है, OBC और EWS में भी 1-1 पोस्ट है, साथ ही साथ जनरल में यहाँ पर 3 सीटें हैं। 45 साल एज लिमिट यहाँ पर मांगे गए हैं और जो सैलरी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे उसमें शैक्षणिक जो वेतन है, जो शुरुआती वेतन है वो 1,01,500 रुपये से आपकी एंट्री सैलरी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर इंग्लिश में भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन रखे गए हैं उसमें आपको PhD फर्स्ट क्लास आपका हो, साथ ही साथ आपने वेरी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हासिल किया हो अपने कॉलेज से, एंड लास्ट 5 इयर्स आपने टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस अचीव किया हो और अचीव किया हो विथ पब्लिश्ड वर्क ऑफ हाईएस्ट
जो क्वालिटी है उससे तो आप एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ आपका जो मास्टर डिग्री है वो आप लोगों का 55 to 60% मार्क्स के साथ पास आउट होना ज़रूरी है। यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन आप लोगों से मांगे गए हैं, प्लस यहाँ पर आप लोगों से 8 ईयर्स का टीचिंग रिसर्च और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में 5 ईयर्स थे, एसोसिएट प्रोफेसर में 8 ईयर्स हैं, और प्रोफेसर के लिए सेम क्वालिफिकेशन के साथ साथ आप लोगों के पास 10 ईयर्स का टीचिंग रिसर्च और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होने ज़रूरी हैं, तो ही आप एलिजिबल माने जाएंगे इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। तो जो स्पेशलाइजेशन है, जिस सब्जेक्ट में रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, जैसे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर मेडिसिनल जो केमिस्ट्री है उसमें एक पोस्ट है, फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में एक पोस्ट है, फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में एक पोस्ट और यहाँ पर जनरल की रखा गया है, फार्मास्यूटिक्स में एक पोस्ट EWS और बायो टेक्नोलॉजी में एक पोस्ट यहाँ पर जनरल कैटेगरीज में, और मेडिकल ड्राइव में OBC के लिए एक पोस्ट है, मेडिकल ड्राइव्स में जनरल में भी एक पोस्ट है। तो आप पोस्ट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सैलरी के अलावा आप लोगों को प्रति वर्ष अधिकतम 5,000 रुपये तक का पुस्तक भत्ता मिलेगा, जिसमें आपको कुछ अदर्स भी बेनिफिट प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप जब फॉर्म को अप्लाई करें तो इसका जो नोटिफिकेशन है उसे डाउनलोड कर लें और उसे अच्छे से रीड करने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। कुल टोटल 15 पेज का नोटिफिकेशन है, जिसमें फॉर्म को फिलअप करने से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण चीज़ें मेंशन की गई है। एप्लीकेशन फ़ीस यहां पर 1,000 रुपये रखा गया है, अनारक्षित आर्थिक रूप से कमज़ोर OBC कैंडिडेट के लिए, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति PWBD और महिला उम्मीदवार के लिए यहां पर 1 भी रुपये एप्लीकेशन फ़ीस नहीं मांगे गए हैं, यानी उन्हें फीस में पूरी तरीके से छूट दी गई है। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी बहुत से वीडियो हम आप लोगों तक समय समय पर अपने YouTube चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।